शुक्रवार की रात्रि दिनांक 10 मई 2024 को कैथल के ढांड रोड पर अमृत फार्म में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में एक विशाल कार्यक्रम हरियाणा फ्यूचर टुगेदर यानी हरियाणा का भविष्य नवीन जिंदल के साथ कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में शहर के मौजूद लोगों को आमंत्रित किया गया था और बावजूद अचानक आई आंधी और बरसात ने भी लोगों के उत्साह को कम नहीं होने दिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर जगविंद्र सिंह विर्क, करण कालडा, संदीप गुलाटी, मनोज दुआ, गगन दुआ, निखिल दुआ, विकास कालडा ऑस्ट्रेलिया, लविश मित्तल, कपिल गुप्ता, अमनदीप सिंह मेहंदी रत्ता, साहिल सचदेवा और उनकी टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सुभाष सुधा, विधायक लीला राम, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, वरिष्ठ नेता राव सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विश्व प्रसिद्ध पंजाबी गायक जस्सी जसराज ने भी शिरकत की और आए हुए सभी प्रतिष्ठित नागरिकों ने हाथ उठाकर अपना भरपूर समर्थन देने का दावा किया। नवीन जिंदल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपना राजनीति में आने का विजन बताया और आप पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी घर वापसी हुई हो। मैं आप सब लोगों को मैं जानता हूँ, जब मैं कांग्रेस में भी था तब मैं जानता हूँ कि आप लोगों की शुभकामनाएं जो है मेरे साथ थी। और जो 96 में बाबूजी ने चुनाव लड़ा, 96 में 98 में, तब जो है हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था, तो मैं तो आप लोगों के साथ बहुत हमने काम किया, तो बहुत आपसे सबसे एक पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं बहुत इस हल्के के लिए करना चाहता हूँ हर लिहाज से, और कल या परसों अब मैं अपना विजन डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूँ कुरुक्षेत्र के जितने भी हमारे नौ दिनों विधानसभा के हल्के हैं, जितने भी 900-950 गांव हैं, आगरादौर, लाडवा, थानेसर, शाहबाद, देवा, कुंडरी, कैथल, बुलाचीका, कलायत, सारा का सारा इलाका में हर लिहाज से नंबर एक में आने चाहिए अगले 5 सालों के अंदर। ये मेरा विजन है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को लेकर के। और मैं 2 सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं, बेरोजगारी हटाना कोई बोलने से नहीं हटती, और हम ये भी देखते हैं कि आजकल इंडस्ट्री के अंदर बाकी देशों में भी जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी बहुत कमी है। आप अच्छा जो है ना, तो आपको अच्छा चेक मिलेगा या बीच में आ जाओगे, आपको ना कोई अच्छा शेफ मिलेगा, ना जल्दी से अच्छा ड्राइवर मिलेगा, ना आपको इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, ना प्लम्बर मिलेगा, ना राजमिस्त्री मिलेगा, तो ट्रेन लोगों की बहुत कमी है। इस स्किल सेंटर के द्वारा मैं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नहीं, मैं दो दुनिया के सबसे अच्छे स्किल सेंटर खोलूंगा, एक कुरुक्षेत्र में और एक कैथल के अंदर, जिससे 10,000 युवा हर साल ट्रेनिंग पा सकेंगे। 10,000 युवा ट्रेनिंग पाएंगे और फिर वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करना चाहेंगी और वो अगर विदेश जाना चाहेंगे तो वो विदेश भी जा सकते हैं। मैं अगर मोदी जी के बारे में आपको बताऊं तो वो जो है सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, जिसके मैं आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर इतने ऐतिहासिक फैसले लिए, किस तरह से उन्होंने संकल्प लिया कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण करें जिसके अंदर हर वर्ग खुशहाल हो। और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी पार्टियां भी है जो कि माफिया है, शराब का माफिया है, ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो शराब का माफिया है। जिस समय अभी सुभाष जी बोल रहे थे हमने ऑक्सीजन बांटी, जिस समय कोरोना के समय के अंदर हम पूरे देश के अंदर हम मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे थे, वो हमारा फर्ज बनता है, हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे थे, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश को जरूरत हो तो एक 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 खून की बूंद भी जो है सबके लिए हाजिर है, ऑक्सीजन की तो क्या बात ही क्या है। वो पार्टी जो है दिल्ली के अंदर, आप पार्टी बोले शराब की एक बोतल खरीदो दूसरी बोतल फ्री, उनकी ये पॉलिसी थी। वो शराब को प्रमोट कर रहे थे उस समय, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं और ज्यादा शराब की बिक्री बढ़े। और जो कल जो आपने देखा होगा कि किस तरह से चौंकाने वाली अभी बहुत ही चिंताजनक बात है कि विदेश की आतंकी संगठन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग ली उन्होंने, 125 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग।
ऑर्गेनाइजेशन जो है आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से लिए, तो कितने बड़े जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हम सबको बहुत सचेत होकर के हमें काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आप सब सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप सब इन बातों को समझते हैं, और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ तो इस बात का करारा जवाब भी मिलेगा। तो मैं 11,800 किलोमीटर को ऑस्ट्रेलिया तो चल के उदो यूनानी दी चेते एक समय एक बंदे वास्ते चल के आया हां, वो है साडा भरा नवीन जिंदल जेड़ा छोटे शहर दा हीरा। ते मैं जिंदल साहब शुरुआत दसना चाहना, सब तो पहले तो जेड़ी अज दा फंक्शन आ कोई बीजेपी दा फंक्शन नहीं है, आ ओ बंदे दा फंक्शन है जेड़े सानू प्यार करदे आ, किसी पार्टी का बिलोंग नहीं करते, आज थोड़े विचार सुन रहे हैं, छोटे विचार किया कर लॉट ऑफ बिजनेस कम्यूनिटी मिले, मैं दसना नहीं हूँ कि वह नहीं किसी को अगर भटूरे खुवाते चंगी चंगी चीज़ा खुवाते हैं, रबड़ी खुवाते हैं कैथल चाहे शहर ही बहुत वधिया। पहले तो सब तो पहले ताड़ियाँ सारे बिजनेसमैन वास्ते जो कैथल बैठे हो। मैं छोटी जी गल दसना चाहना, जिंदल साहब को मेरे तो ज़्यादा जानते, मेरे तो 7-8 साल हो गए जानते, जिंदल साहब को पिछले 25-30 सालों तो जानते हो, जो जवाब जी इतने इलेक्शन लड़ते अज तक हिस्टरी दुनिया च कोई बंदा पैदा नहीं होया मिलीनियर दुनिया च जिन्हें ग्रास रूट ने एडा वा काम किया हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ चाहे कोई होर आ, जिंदल साहब आ, अडानी अंबानी पैदा होए, वे वे बंदे पैदा होए, इस लैवल से पहुँच के दुनिया च अज तक एक योजा बंदा नहीं पैदा होया जिस परमात्मा ने जिंदल साहब दिता। जे तुम अच जिंदल साहब का खड़ते हो आप वर्ल्ड च एग्जाम्पल बनूगी है, अगले इंडिया च एग्जाम्पल नहीं बनूगी भी एडे वे बंदे भी जो लोग फोन करते हैं, जो साइड आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट होर लीडर्स मिलते हैं, जो भी इंडिया आते हैं वो मोदी जी को मिलते हैं, कि जे जे किसी बिजनेसमैन को मिलना चाहते हैं इंडिया चाहे मिस्टर नवीन जिंदल होंगे, चाहे आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आवे चाहे कैनेडा का हार कर आवे। जैसा कि आप सबने इनके पिछले 10 वर्ष में इनको देखा है, इनका एक ही उद्देश्य है मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। 10 साल इन्होंने जो काम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया है वो आज तक हम लोग नहीं भूलते। गांव गांव में फ्री मेडिसिन पहुंचाना, फ्री लोगों के ऑपरेशन करवाना, मेरे ख्याल किसी भी एमपी ने आज तक किसी भी स्टेट में कहीं नहीं किया। ऐसा एमपी आपको दोबारा मिलने जा रहा है जिन्होंने आज ठान लिया कि मैं क्षेत्र की दोबारा से सेवा करने जा रहा हूँ। और जिस आदमी को निस्वार्थ कोई भी मतलब किसी प्रकार का लालच नहीं है, जो ऑलरेडी एक बिजनेस मैन है, ये ऐसे व्यक्ति क्षेत्र के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्यों ना हम हाथ को हाथ मिला के, जितने भी जिंदल साहब से मैं कहना चाहूँगा, ये सभी साथी जो बैठे हैं, ये हमारा शहर का थिंक टैंक है, ये हमारी शहर की रीढ़ की हड्डी है जो डिसाइड करती है कि कौन यहाँ से जीतेगा और कौन यहाँ का एमपी बनेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने इस बार नवीन जिंदल को जिताना है और उन्हें मोर देन 5 लाख वोट से कुरुक्षेत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिताकर सेंटर में भेजना है, ताकि मोदी जी को पता चले कि कुरुक्षेत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीता है वो बहुत ज़्यादा मतलब से जीत कर आया और इन्हें सेंटर में बंद किया जाए। हमारी पूरी टीम की तरफ से जिंदल साहब को आने वाले चुनाव की बहुत बहुत बधाई। सफेदे जिन्हें मर्जी ला लो, जेडे पिपल होंगे है ना पिपल, वो छोटी मोटी नेरी च गिरते नहीं होंगे। इन्होंने पिता जी इतने माता जी इतने हम भी इतने रेंगे थोड़े बच्चे ही होंगे। नवीन जिंदल 2 बार एम पी बने, 3 बार फिर थोड़े सामने खड़े है, ये छड़ के तो नहीं जान लगे थोड़ा। सो इस करके जिहड़ी लड़ाई है तुहाडी है, जदों इन्हां दे पिता जी माता जी नवीन जिंदल साहब इत्थे है तां जिम्मेवारी तुहाडी बन जांदी है कि तुहाडा बब्बर शेर नवीन जिंदल है। लोहा बणाउंदा हुंदा जिगरा वी लोहा चटदा, जिंदलां दा मुंडा वेखो फिर धूड़ा पटदा। मोदी जी की मुंदर च नग बनो हीरे दा, ओ कुरुक्षेत्र वाले ओ मान रखे ओ भई वीरे दा। तुहाडियां दुआवां नाल
जितनाए रेसनों तरक्कियां ते ले जू बुलंदियां ते ले जू कुरुक्षेत्र ते देशनों ओ जिंदन जिंदन होई पई है जिंदन जैसा कोई नहीं है तालियां नाल नाल तो आनू खाते हुए छोले भटूरे दी सौ जिंदल जिंदल होई पई है जिंदल जैसा कोई नहीं है दो बार जिताया तीसरी बीमार भी बंदा अपना बड़ा सही है कुरुक्षेत्र के लोगों के फिर होंगे वारे न्यारे बीजेपी का कमल खिलेगा जीतेंगे हम सारे जिंदल जिंदल जिंदा दिल जिंदल 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 जिंदा दिल जिंदल ओ जिंदल जिंदल होई पई है जिंदल जैसा ओ जिंदल जैसा कोई नहीं है सो भाई पिपल बनो ए भाई पिपल बना के परोटा ला के मोर दा वट वृक्ष ला के जिंदल साहब दा मान बधाओ अपने परिवारों दा मान बधाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।